नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। मैं आपको आयशा अनीस की कविता उन्हीं की आवाज में सुनाएंगे जो आपके दिल को झकझोर देगी। ये आजमगढ़ के जालंधरी की निवासी हैं और अलीगढ़ में MA लैम की छात्रा हैं। इस कविता का शीर्षक है मगर आखिर में खून माँ का ही बहता। तो आइए सुनाते हैं आयशा अनीस की एक कविता। किसी ने इस खूबसूरत तस्वीर को बनाया है ये तो नहीं पता कि किसने बनाया है, मगर जिस खूबसूरती से इस तस्वीर में मुल्क की हालात को और उसके असर को बयां किया है, मैंने उसे लफ्जों में बयां करने की कोशिश अपने इस कविता में की है। चाहे कमजोर को चोट लगे या मजबूत जख्म खाए, या दोनों लड़ जाएं या दोनों कट जाएं, मगर हैं तो दोनों एक ही शाख के, मगर हैं तो दोनों एक ही खाक से, और दर्द दोनों का चोट दोनों की लगनी है माँ को ही, दर्द आखिर में होना है माँ को ही। कमजोर इनके बंटवारे से माँ ही होती है। खून तुम्हारा अगर बहता है या खून तुमसे किसी का बहता है, मगर आखिर को माँ के खून से सींचा होता है, मगर आखिर में खून माँ का ही बहता है। शुक्रिया। अब तक आपने आयशा अनीस की पहली कविता सुनी, अब दूसरी कविता सुनाते हैं जिसका शीर्षक है यह हरा कहेंगे यह कहेंगे भगवा, तुम अड़े रहना तुम खड़े रहना तुम तिरंगा समझना। तो अब सुनिए आयशा अनीस की यह दूसरी कविता। यह हरा कहेंगे ये कहेंगे भगवा, तुम अड़े रहना तुम खड़े रहना तुम तिरंगा समझना, तुम हिंदुस्तान पर अड़े रहना। ये तुम्हें मुसलमान कहेंगे, ये तुम्हारा हिंदुत्व जगाएंगे, ये तुम्हारी जात पूछेंगे, ये तुम्हारा जख्म कुरे देंगे, ये तुम्हें तकसीम कर देंगे, मगर तुम हिंदुस्तान पर अड़े रहना। ये कहेंगे मुल्क तुम्हारा है, वो कहेंगे ये मुल्क सिर्फ तुम्हारा है, मगर तुम ये मुल्क हमारा है पर अड़े रहना। बांट देंगे हिंदी और उर्दू को, मगर तुम हिंदुस्तानी पर अड़े रहना। वह AMU के मुस्लिम पर हमला करेंगे, वह JNU के जवाहर पर जुल्म ढाएंगे, वो ढाएंगे BHU के हिंदू पर, मगर तुम बढ़े चलना पढ़े चलना, तुम जुल्म मत सहना, इन जाहिलों की सियासत को नस्त नाबूद करना, क्योंकि तुम भगत सिंह हो, क्योंकि तुम अशफाकुल्ला खां हो, क्योंकि तुम ही हिंदुस्तान हो। तुम बेशक मुसलमान हो, तुम बेशक हिंदू हो, मगर तुम पहले हिंदुस्तान।